जय श्री कृष्ण माय YouTube फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई, और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 31 से 53। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण। 31 स्वधर्मपि चावेक्षण विकम्पितु महर्षि धर्म्याधि योद्धा चछ्रेयो नय क्षत्रियस्यत न विधते। इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। 32 यदृच्छया चौपन्ना स्वर्ग द्वार माप वृतम सुखीन क्षत्रियम पार्थ लभन्ते युद्धमी दृशम। इसका अर्थ हुआ, हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। 33 अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कृति च हित्वा पापं वा स्पृश्यसि। इसका अर्थ हुआ, किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कृति खोकर कर्तव्य कर्म को उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। 34 अकृति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति त्वे व्यायाम संभावितस्य चकृति मरणान् दतीरिच्यते। इसका अर्थ हुआ, लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकृति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकृति मृत्यु से भी बढ़कर है। 35 भयाद्रना दुपरंत मंस्यन्ते तमा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यशस्यसि लाघवम्। इसका अर्थ हुआ, जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्धभूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। 36 अवाचया वादम च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्य ततो दुखंतर नूप कीम। इसका अर्थ हुआ, तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे, तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। 37 हतो वा प्राप्त स्यसी स्वर्गम जीतवा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चयम्। इसका अर्थ हुआ, हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू तृण संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। 38 सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युधाय युजेस्व नेवम पापम वापस्यसि। इसका अर्थ हुआ, सुख या दुख, हानि या लाभ, और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्म योग का विषय। 39 ऐसा तेव भीहिता सांख्य के बुद्धि योगे त्विमा श्रीनु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहा शयसि। इसका अर्थ हुआ,
हे पृथा पुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। 40. यनेहा भिक्रमना शोषिष्ट प्रत्यावतो न विधते श्वलपम पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ हुआ, इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। 41. व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अर्थ हुआ, हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। 42. यामेमाम पुष्पिता वांच प्रवद्यन्ते विपाश्चित वेदवाद्रता पार्थ नान्य दस्तिति वादिन। 43. कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेषवहुला भोगेश्वर्य गतिम प्रति। इसका अर्थ हुआ, हे पृथा पुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्मफल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये 42 और 43 दोनों का था। अब है 44. भोगेश्वर्य प्रसक्तना त्यापहित व्यवसायत्मक का बुद्धि समाधोना विधीयते। इसका अर्थ हुआ, जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। 45. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावा अर्जुन निध्रवन्द्वो निस्वतस्वतो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। 46. यावानर्थ उदपाने सर्वतम समलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतम। इसका अर्थ हुआ, सभी तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। 47. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भ्रमार्ते संगोस सत्व कर्मिनी। इसका अर्थ हुआ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है, इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। 48. योगस्त कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो
समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इसका अर्थ हुआ, हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। 49. दूरेन हम्बर कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मनविचच कृपण फल हेत्वम। इसका अर्थ हुआ, हे धनंजय, इस समस्त बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना परमात्मा की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों का चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। 50. बुद्धि युक्तो जहा तिह उभे श्रीकृत दुष्कृते तस्मा धोगाय युजयस्व योगम कर्मशु कौशलम। इसका अर्थ हुआ, समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। 51. कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम जन्म बंध विनिमुक्ताम पदम गच्छन् त्यानामयम्। इसका अर्थ हुआ, इस समत्व बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 52. यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रिष्यति तदा गंताशि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च। इसका अर्थ हुआ, जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलादल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। 53. श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा सत्थास्यति निश्चला क्षमाधावचला बुद्धि सतदा योगम वापस्यसि। इसका अर्थ हुआ, वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।